हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में। बहुत ही प्यारी वीडियो है, मैंने कुछ नहीं इसमें करा, मैं तो इंग्लिश में वीडियो है उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, तो बहुत पुरानी वीडियो है। तो यहाँ देखते हैं, हमारे पास कटिंग टूल बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार हम देखते हैं ड्रिल हम यूज़ करते हैं, हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। तो उस कटिंग टूल यूज़ करते करते हमें कुछ बातें उसकी समझनी पड़ती हैं कि कौन सा मटेरियल होना चाहिए। एक पहली बात तो हमारा जो टूल है वो हार्ड होना चाहिए वर्क पीस से ज्यादा। देखिए, हार्ड नहीं होगा, अगर वर्क पीस से ज्यादा हार्ड नहीं होगा तो भाई उसे छीलेगा कैसे, बात समझ रहे हो। अगर वो छीलने वाला जो टूल है वो टूल बेचारा सॉफ्ट सा होगा, वो बेचारा उसको क्या छीलेगा। तो वो हार्ड होना चाहिए वर्क पीस से, तो वर्क पीस से ज्यादा हार्ड तो भाई छील देगा उसको, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमारे पास इस तरह से होना चाहिए, तो हमारे पास टूल जो है हार्ड। और दूसरी चीज इसकी रेड हार्डनेस हॉट हार्डनेस कह देते हैं। रेड हॉट हार्डनेस क्या है कि भाई साहब जब भाई चलेगा, फ्रिक्शन होगा तो भाई ये क्या होगा, फ्रिक्शन होने से होगा गर्म होगा तो भाई वो अपनी हार्डनेस लूज कर देगा। पुराने टाइम में हाई कार्बन स्टील से हमारे पास बनते थे टूल, और टूल वो जो थे वो हाई स्पीड पे नहीं कम काम कर सकते, लो स्पीड पे काम कर सकते। क्यों, अब देखो आराम से काम करते रहो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं तेज टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसी तरह हमारे पास जब हाई स्पीड पे काम करते हो भाई ये खत्म। हाई कार्बन स्टील वाले जो होते थे, कार्बन हाई था, जब ये काम करते हाई स्पीड पे काम करते तो ये खराब हो जाते। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, आई होप कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही हो। वो हमारे पास देखे तो हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें देखना आप, इसमें टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये अपनी हार्डनेस लूज कर देता है। टेम्परेचर कम तो हार्डनेस इतनी, टेम्परेचर बढ़ गया हार्डनेस कम, टेम्परेचर बढ़ गया हार्डनेस कम, कम होती होती बहुत कम हार्डनेस हो जाती है। और ये क्या होता है कि एक तरह से टेम्परिंग हो जाती है कि हमारा अचानक से गर्म हुआ, अचानक से ठंडा हुआ, तो ये काम खराब कर देता है और अपनी हार्डनेस को लूज कर देते हैं। बात थोड़ी समझ आई। तो हाई कार्बन स्टील हमारे पास इस तरह से आप बना के दिखा सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील इस तरह, और ये यूज होता था इस तरह की लेथ मशीन पे, और उसमें भी बहुत टाइम लगता था। धीरे धीरे आराम से करते रहो, कहीं खराब ना हो जाए हमारा टूल, है ना। तो इस तरह की तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी भाई जो इच्छा शक्ति वो बढ़ी। तो हम किस तरह से, अब देखो एक ये चीज, ये हाई कार्बन स्टील जो है अब सिर्फ यहाँ पे काम के लिए रह गया, कहाँ, वुड वर्क में। आपने देखो ना वुडन के हम बनाते हैं जब, तो वुड वर्क में हमारे पास ये काम का रह गया हाई कार्बन स्टील, बाकी बहुत कम यूज करने लगे इसको। अब देखिए, हमारे पास जब हाई स्पीड पे आने लगा तो धीरे धीरे इन्वेंशन के साथ हमारे पास हाई स्पीड स्टील आ गया, HSS की जब आया तो उसमें हमारे पास रेड हार्डनेस उसकी थी, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो भी हार्डनेस थी, लेकिन वो धीरे 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 जाकर आगे जाके बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे 600 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये सहन कर लेता था कि अपनी हार्डनेस लूज नहीं करता था, लेकिन उसके बाद ये भी अपनी हार्डनेस को कम करने लग जाता था। तो हाई स्पीड स्टील, लेकिन HSS सबसे ज्यादा यूज होने वाला, आप कहीं भी देखें तो HSS हम सुनते रहते हैं, हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील जो है वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, और हाई स्पीड पे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर दिख रही हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो मुझे कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है। ओके, तो ये इस तरह से ये देखिए करता रहेगा। और इसमें खास क्या है भाई साहब, इसकी इन्वेंशन हुई वो कारण हुआ कि टंगस्टन जब इसमें ऐड किया गया, आपने सुना होगा 18-4-1, इस तरह से आपने सुना होगा, तो 18% इसमें टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वैनेडियम होता है। ये 18-4-1 वाला HSS सबसे ज्यादा यूज में होता है, और ये आप सुनते होगे, बहुत आम सी बात है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो भाई साहब इसको जो एक आइडिया देख, दिमाग इंसान का खतरनाक, कहता भाई HSS तो बहुत महंगा है, पूरा टूल बनाना पड़ेगा। कहता ना ना ना, ऐसे करो पीछे वाला हिस्सा जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना लो, आगे वाला HSS का बना लो, और उन दोनों को जोड़ दो, बट वेल्डिंग कर दो।
बट वेल्डिंग कर दो, मतलब पीछे वाला हिस्सा सस्ता, आगे वाला जो यूज वाला वो महंगा कर लो, ठीक है। तो इनके वर्कर जो है वो ऐड कर रहे हैं, मतलब इस तरह की वेल्डिंग कर रहे हैं, बट वेल्डिंग कर रहे हैं, और इसके थ्रू क्या करेंगे, HSS का आगे वाला पार्ट और हाई कार्बन स्टील का पीछे वाला पार्ट आपस में जोड़ देंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मशीन्स बहुत पुरानी है, तो अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही हो, मज़ा आएगा आपको। और इसको ये क्या होता है कि अब इसको हम हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, और ये हीट ट्रीटमेंट में आपने सब कुछ समझना है। अगर आप हीट ट्रीटमेंट नहीं समझे हो, मटीरियल साइंस नहीं पढ़े हो, तो भाई बहुत ही गलत काम कर रहे हो अपने साथ। आप पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, मटीरियल साइंस पूरा पढ़ लेना। ओके, उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करके और इसकी शेप में ला देते हैं, इसको अपनी शेप में ला, और इसको बाद में फिर से जो इसकी क्वालिटीज इंप्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करे जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट दो तरह के अलग अलग होते हैं, पहले एक फर्नेस में रखेंगे, उसको ठंडा करेंगे, दोबारा फिर फर्नेस में रख के ठंडा करेंगे। उस प्रोसेस को करने के लिए भाई हीट ट्रीटमेंट ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका कोई गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से करने के बाद, इसको गर्म करने के बाद, फिर इसको एयर में रखा जाता है, और हमारे पास इस तरह से देखिए एयर में रखा जाएगा और इसको ठंडा किया जाएगा। और इसमें जो क्वालिटीज़ हैं, हम अपने अकॉर्डिंग हार्डनेस कितनी, इसकी टफनेस कितनी, उस तरह से हम कर लेते हैं। फाइनल फिनिशिंग जब हम देते हैं, तो इस तरह से ग्राइंडिंग प्रोसेस करके फाइनल फिनिशिंग देते हैं, ताकि एंगल्स, पता है ना आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, वो एंगल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इसमें फिर अगेन एक बात रहती है बहुत अजीब सी, कि भाई जब तक तो ये HSS वाला है, मतलब आपका टूल जो है ख़राब हुआ, आपने फिर से तीखा कर दिया, फिर से खराब, फिर से तीखा, लेकिन HSS ख़त्म होता जाएगा। HSS ख़त्म तो आपको टूल से फिर से बदलना पड़ेगा। जैसे कि ये इसमें भी देखें तो हमारे पास ड्रिल बिट जो है ना, ड्रिल बिट को भी इस तरह से जोड़ देते हैं, कि हमारे पास मान लीजिए ड्रिल बिट बना रहे हैं, तो आगे वाला हिस्सा HSS का, पीछे वाला HCS का, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और फ्रिक्शन वेल्डिंग के थ्रू जोड़ देते हैं। अब देखेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। तो हाई स्पीड पे जैसे रोटेट करते हैं, और फ्रिक्शन के कारण हाई टेम्परेचर, और ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये काम कब करते हैं, ये काम करते हैं जब हमारे पास बड़ी ड्रिल हो, तब हम ये काम करते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा ना HSS का बनाने का। तो अगर बड़ी है तो ठीक है, अगर छोटी है, छोटी ड्रिल चाहिए हमें, छोटी ड्रिल बिट चाहिए, उस केस में नहीं हम ऐसा करते, उस केस में हम HSS का ही बना देते हैं, कि यार सस्ता कोई बात नहीं इतना, तो ठीक है, तो वो छोटी जो होगी हमारे पास वो HSS की ही बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से, और इनको भी अगेन हमें इसको गर्म करके और फिर से ठंडा करने वाली हीट ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस जो है इनके ऊपर भी करनी पड़ती है, ताकि इसकी क्वालिटी जो है इनको इम्प्रूव किया जा सके। अगेन हार्डनेस तो जरूरी है भाई, हार्डनेस नहीं है तो हम कैसे आगे सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से, ये भी हमारा क्वालिटी जो टूल है इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी से देखते रहो, मजा लेते रहो, और अगर पसंद आ रहा ना वीडियो भाई, लाइक का बटन जरूर दबा देना, एक काम ये कर देना मेरा, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस तरह की वीडियो से मजा आता है या नहीं आता आपको। ओके, तो ये ड्रिल बिट हमारे पास इस तरह से काम देती है। तो छोटे से बड़े ड्रिल बिट हम HSS या HSS के आगे वाला हिस्से से भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन 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 वही प्रॉब्लम, कि भाई कितनी देर घिसेगा, दोबारा से टूल लाना पड़ेगा, नया टूल लेके आओ, फिर घिसेगा फिर डूब जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने दिमाग लगा लिया, ठीक है, ये देखो घिस रहा, लगातार घिस ही जा रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए दिमाग लगाते हैं। दिमाग आगे लगाएगा, इंसर्ट्स बनाएंगे इस तरह के। इंसर्ट्स क्या होते हैं, कि ये पाउडर मेटलर्जी से बनता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। पाउडर मेटलर्जी से आप कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद इसके ये देखिए इस पीसेस बनाए जाते हैं पाउडर मेटलर्जी से, ये देखिए इसको हम इंसर्ट बोल देते हैं। ये HSS का है, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है कि तो आप मारोगे और टूट जाएगा, तो इसके लिए फिर से भाई क्या है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, सेंटरिंग प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं, और ये प्रोसेसेस हम इसके ऊपर करेंगे, और प्रोसेसेस करने के बाद ही इसको यूज़ किया जाता है, ऐसे नहीं। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इंसर्ट्स बोल देते हैं इसको, ये देखिए इंसर्ट्स हैं, ये फाइनली सॉरी यहाँ पे इंसर्ट है, तो ट्रायंगल शेप में दे दिया, तीन एज दे दिए। तो इसका फायदा ये है कि भाई टूल के आगे लगा दो बस इसको,
टाइट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको पॉज करके दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा। ओके, यहाँ से देख रहे हैं ये आगे वाला हिस्सा जो है ना वो इंसर्ट है, कि ये इतना हिस्सा हम चेंज करके अपना रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये इंसर्ट है हमारे पास, बात समझ आएगी। तो ये इंसर्ट को बार बार चेंज करना है तो आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो हमारा टूल पूरा चेंज करने की बजाय आप सिर्फ इंसर्ट को चेंज कर देंगे और ये इंसर्ट घिसता रहता है, हम शेप इसका साइज जो साइड्स हैं वो चेंज करते जाएंगे। साइड चेंज करके अगर ये भी घिस जाता हो भाई नया इंसर्ट लगा देंगे, लेकिन पूरा टूल आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंसर्ट का फायदा होता है, बात समझ आएगी। और ये पाउडर मेट्रोलॉजी के थ्रू बनता है। अब जो नेक्स्ट हुआ ना, नेक्स्ट इन्वेंशन में ये हुआ कि इसके अंदर हमने कोबाल्ट ऐड किया। तो मटेरियल के अंदर जब कोबाल्ट ऐड किया तो नया हमारे पास मटेरियल बनता है जिसको हम सीमेंटेड कार्बाइड बोल देते हैं। सीमेंट, सीमेंट की तरह सीमेंटेड कार्बाइड। ओके, तो ये जो बना सीमेंटेड कार्बाइड ये और ज़्यादा अच्छा निकला, लेकिन वही इसमें भी इंसर्ट बाद में बने, लेकिन पहले तो क्या कर देते, इसको यहाँ पे वेल्ड कर देते सीधा। ओके, ब्रेजिंग के थ्रू वेल्ड करके इसके ऊपर लगा देते थे, ठीक है, और इसकी भी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और ये सीमेंटेड कार्बाइड और ज्यादा अच्छा HSS से निकला। HSS से ज्यादा हाई हार्डनेस, इसकी हाई हार्डनेस हुई, रेड हॉट हार्डनेस अच्छी हुई, इस तरह के इंसर्ट बनने लगे। इंसर्ट बनते हुए एक बार देख लीजिए, बहुत खूबसूरत आपको लगेगा कि ये कितनी स्पीड पे बनाते जा रहे हैं, इंसर्ट्स कितने बनते जा रहे हैं और कितनी स्पीड, और रोबोटिक। और ये देखोगे तो कितनी पुरानी वीडियो है, तो ये भी रोबोटिक चल रहा है। तो बच्चे कहते हैं जॉब्स कम हो रही है, भाई रोबोट्स आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है इंसानों के लिए, फायदा भी है प्रॉब्लम भी है। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट देखिए, इस तरह के इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट बारी आ गई भाई साहब हमारे पास डायमंड की, और डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल हम जो मतलब इंसानों को पता है वो सबसे ज़्यादा डायमंड जो है हार्ड है हमारे पास। लेकिन जो नेचुरल डायमंड्स हैं, ये नहीं है कि हमारे पास डायमंड है तो हम वो नेचुरल डायमंड यूज़ करते हैं, ये आर्टिफिशियल भी, केमिकली भी हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर जरूर देखना एक बार, ये अच्छी इमेज आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे सीमेंटेड कार्बाइड जो है, सीमेंटेड कार्बाइड यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास आता है कि ये देखिए हार्डनेस कितनी थी, ये हाई कार्बन स्टील की, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसका, और ज़्यादा टेम्परेचर पे आप यूज़ कर सकते हो। तो डायमंड की सबसे ज़्यादा, डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा, और ये लूज नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अपनी हार्डनेस जो लूज नहीं करता। तो ये दिखाते हैं कि डायमंड्स जो है वो देखिए नेचुरली जो हमें मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसको अगर स्लिप प्लेन्स, आपने सुना होगा स्लिप प्लेन्स होते हैं कि इसको अगर तोड़ना चाहिए तो हम कहीं हल्का सा चोट लगाएंगे तो इसमें प्लेन्स होते हैं, तो उस प्लेन्स के थ्रू वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। और ये डायमंड जो है वो हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम कटिंग टूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, नेचुरल वाले जो होते हैं इनको तो भाई प्रोसेसिंग में ये महंगा बेचना होता है ना, तो आप उसके लिए तो पढ़ रहे हो कि भाई डायमंड लेके देना पड़ेगा एक दिन, तो इसी लेके पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में डायमंड है वो अलग है। तो ये डायमंड छोटे छोटे आपने देखा होगा, इवन आप यूज़ करते हो कांच की कटिंग में, कांच की कटिंग में देखा होगा इस तरह से मारते हैं उस कांच के ऊपर और इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और टूट जाता है वो कांच, वो डायमंड छोटा सा डायमंड लगा होता है। तो हमारे पास ये जो डायमंड है वो केमिकली किस तरह से, वो एक कंपनी में, मान लीजिए कंपनी है, वहां पे हम क्या करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को यूज करते हैं और उसको हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर, जैसे नेचुरली होता ना, क्योंकि ये कैसे बने थे, नेचुरल इसे बने थे कि प्रेशर और टेम्परेचर उन्हें मिला और वो डायमंड में कन्वर्ट हुए थे। तो अब हमारे पास भाई, हमारे नेचुरली की बजाय हमने, नेचुरल की बजाय हमने आर्टिफिशियल भी तैयार कर लिया। उसका कारण ये हो गया कि अगेन वही बात कि टूट जाते, मैंने आपको बताया था ना जैसे टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन बनाते हैं। हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह से देखेंगे तो आप, आपको कभी पूछ ले कि हाई हार्डनेस क्यों है, तो आप बता सकते हो कि ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है इनका। तो ये देखिए प्लेन्स जो मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो आप तोड़ना चाहते हो तो इस तरह से डायमंड टूट जाता है। ये जो डायमंड बनाने वाले हैं ना, वो जब तोड़ते हैं उनको पता होता है कहाँ पे चोट लगानी हो ताकि डायमंड के दो हिस्से किए जा सकते हैं। तो हम वो उसको आर्टिफिशियल जो तैयार करते हैं उसमें हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बनाते हैं ताकि अगर एक जगह से हम फोर्स लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ, लेकिन बाकी जो है वो इसको टूटने नहीं देंगे,
एक जगह से फोर्स लगती भी है तो बाकी जगह से वो टूटेगा नहीं, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन है, सिंगल क्रिस्टल और हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन अलग अलग होते हैं, तो हम इस तरह का मटेरियल तैयार करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ रही है। भाई कमेंट में जरूर बता देना, एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि मज़ा आया या नहीं इस चीज़ को। मुझे बहुत मजा आया था जब इसे वीडियो को देखा था, आपको मुझे पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार कमेंट में जरूर बताना समझ आया कि नहीं आया। तो ये देखिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं, ये हमारे पास डायमंड तैयार हो रहा है। ओके, तो हमने कौन कौन से मटेरियल पढ़ रहे हैं, HCS पढ़ लिया, HSS पढ़ लिया, ओके, उसके बाद हमारे पास सीमेंटेड कार्बाइड पढ़ लिया, अब डायमंड। लेकिन डायमंड के बाद भी हमने आगे एक्सपेरिमेंट किए, डायमंड के बाद भी हमने किया, रीजन है कुछ, इसका रीजन अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके, तो ये ग्रेफाइट जो है हमने इस तरह से प्रेशर कन्वर्ट करने के बाद हमने बना लिया, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे कह देते हैं छोटे छोटे डायमंड की तरह दिखने वाले छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं और उनको हम यूज करते हैं। तो ये जो सारे मटीरियल देखे ना हमने, वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं फेरस मटीरियल में। जब फेरस मटेरियल के ऊपर हम मशीनिंग करते हैं तो वहां क्या करता है, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, और वो रिएक्शन को रोकने के लिए हमें नया कुछ करना पड़ा। तो हमने तैयार किया CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, और ये क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड था वो हम किसी मतलब कास्ट आयरन, जैसे कास्ट आयरन के ऊपर आप मशीनिंग करना चाहते हो तो इसको यूज करो, CBN को यूज करो, हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड मटीरियल है वहां पे। तो ये जो देखोगे ना आप, तो कार्बन के अड़ोसी पड़ोसी हैं बी और एन, तो ये जो छोटे छोटे मटेरियल हैं आप देख रहे हैं CBN, ये CBN सबसे ज्यादा फेमस हुए, सबसे ज्यादा फेमस हुए। डायमंड से थोड़ी सी इसकी हार्डनेस कम है, ठीक है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन भाई साहब फिर भी ये क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप यहां पे भी देखेंगे तो कास्ट आयरन के ऊपर मशीनिंग की जा रही है, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई है, अगर समझ आई है तो अगेन एक बार कहूंगा लाइक का बटन जरूर दबाएं, और SSC JEE की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।